ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। केंद्र की मोदी सरकार प्रवासी श्रमिकों को लगातार घर वापस भेज रही है। इसके लिए बाकायदा श्रमिक स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलाई गई हैं। परिवहन निगम की बसों का भी सहारा लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पिछले दो महीने से लॉकडाउन में फंसे हुए नेपाली परिवार अपने देश जाने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। जिले में 30 से ज्यादा नेपाली परिवार न सिर्फ आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं बल्कि भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम से मिलने वाले खाने के पैकेट की आपूर्ति भी बंद हो गई है। पैसे खत्म होने से मकान मालिक भी घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं। महिलाओं बच्चों के साथ एक वक्त खाना खाकर गुजर बसर करने को मजबूर हैं। दरअसल थाना नगर कोतवाली इलाके के सोहराब रोड पर किराए के मकानों में रह रहे 30 से ज्यादा नेपाली परिवार सर्दियों के मौसम में मसाले, जड़ी बूटियां, हींग, कपड़े आदि बेचने के लिए आए थे। सर्दियां खत्म होते ही कोरोना वायरस की वजह से 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और 25 मार्च से लॉकडाउन के बीच फंस गए। नेपाली महिलाएं, पुरुष और बच्चों समेत 150 से ज्यादा नेपाली नागरिक लॉकडाउन में फंसकर रह गए। दो महीने घरों में कैद रहने के बाद इनके पास जमा पूंजी और खाने पीने का राशन भी खत्म हो गया। जैसे तैसे नगर निगम की ओर से कुछ लोगों को खाने के पैकेट मिलने से थोड़ी राहत जरूर मिली लेकिन कुछ दिन बाद वे भी बंद हो गए, जिससे नेपाली परिवारों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गई। 60 दिन से ज्यादा लॉकडाउन में रहने के बाद बेबस नेपालियों के सब्र का बांध टूट गया और इन्होंने घरों से बाहर निकलकर अपने देश नेपाल बॉर्डर तक भिजवाने की गुहार लगाई। यहाँ पे हम थोड़ा सा कपड़ा सबड़ा का व्यवसाय करने आते हैं। अब ये कोरोना वायरस से 200 देश सब में कोरोना लॉकडाउन चल गया। हमको भी अब हमारा देश होता तो कुछ नहीं, हम भी खुद का देश में लौटना चाहते हैं। अभी धंधा सब बंद है, लॉकडाउन की वजह से राशन भी नहीं मिल रहे, मोदी जी के नहीं मिल रहे, मोदी जी के वहाँ से नेपाल से भी सहयोग नहीं मिल रहा है। हम इंडिया अब एक ही हम सबका जनता का एक ही ये दिल है कि अब मोदी जी हमें हमारे लिए कुछ करे सके तो हमारे हम सब 300 परिवार के लिए नेपाल तक उन फ्री में छोड़ दिए सीमा तक। वहाँ से हम नेपाल सरकार को हम खुद निवेदन कर सकते हैं, यहाँ से इंडिया सरकार हमको कोई मदद करना चाहिए ना। अब बहुत दिन से हम लोग रोक रहे और जेब में पैसा भी नहीं पड़ रहे, हालत कैसा हुआ है जैसे स्लम में होता है ना, जैसे बहुत गरीबी से गरीबी बेहतर हो रहा है आजकल दिन। ऊपर से मौसम का गर्म, ऊपर से लॉकडाउन, ऊपर से राशन पानी नहीं। अब आर्मी को तीन चीज नहीं है तो जी के भी क्या करे, ऐसे हो गया है जी, जीना आराम हो गया। हमें नेपाल का रहने वाला है। अब जैसे आप समझे वो भाई ने बताया, जैसे इधर किसी का वो खाना नहीं है, किसी का वो पीना नहीं है। अब जितना पैसा आगे है तो पैसा थोड़ा थोड़ा अपने मजदूरी किया उसका अब सब खत्म हो गया। अब इसके बाद बहुत परेशानी है इधर, 200-300 बंदा है, बहुत जीने के लिए बहुत तकलीफ है बहुत। अब मोदी मैं बोलूँगा, अब मोदी का सरकार मैं याद रखता हूँ, जैसे कि हम सीमा तक पहुँचाओ, जैसे कि बात मोदी तक पहुँचाओ और इन्ना नहीं आया क्या करें। ये बेटों के फायदे कुछ नहीं, कुछ मजदूरी के हम काम करने में नहीं मिलता है लॉकडाउन बदल से। अब बेटों के फायदे भी कुछ नहीं, हम कैसे जाएगा है ना। ये लॉकडाउन है जैसे आप इंडिया सरकार ने हमें उधर तक पहुँचाएगा हम जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं तो इधर ही अब क्या करना है, कुछ नहीं है इधर का। ठीक है।